वेलकम टू आवर एपिसोड 16 एंड आज के इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे ह्यूमन इमोशंस के बारे में, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। ट्रेडिंग जो हम लोग कर रहे हैं इसमें इमोशंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इमोशंस ही आपका ट्रेड को टारगेट अचीव होने से पहले एग्जीक्यूट करवा देता है, मीन्स आप एग्जिट कर देते हैं या फिर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ उससे पहले ही आप अपना ट्रेड से निकल जाते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही, साथ में आपका ह्यूमन इमोशंस को भी कंट्रोल करना ट्रेडिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जब ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी ट्रेड लगा देते हैं, उसके बाद क्या होता है, मार्केट टारगेट तक पहुंचता ही नहीं है कि आप एग्जिट कर लेते हैं, स्टॉप लॉस तक मार्केट आता ही नहीं है कि आप उससे पहले निकल जाते हैं। तो इसके लिए आपको अपना क्वांटिटी पे ध्यान देना होगा। जब आप बड़े क्वांटिटी में ट्रेड लेते हैं और आपका ट्रेड आपके खिलाफ आता है, आपको इतना ज़्यादा लॉसेस देखने लगता है और आप लॉस देख के ही भाग जाते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा गंदा चीज़ है ट्रेडिंग लाइफ में। एंड जिस दिन अपने को प्रॉफिट होता है, बाहर में पार्टी करते हैं, घूमते हैं, इंजॉय करते हैं, एंड जिस दिन लॉस होता है किसी से बात तक नहीं करते। ट्रेडिंग को अपने रियल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करना है, पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करना है, क्योंकि जब हम लोग अपने ट्रेडिंग को ना इन सब में इन्वॉल्व करते हैं ना, अपना ट्रेडिंग लाइफ और ज़्यादा ख़राब होता जाता है। कहीं ना कहीं आप देखिएगा, जिस दिन आप प्रॉफिट कमा रहे, कंस्टेंट पूरा वीक प्रॉफिट कमाते गए और वीक के पहले दिन ही आपको लॉस हो गया और उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आप और ज़्यादा लॉस बनाते जाते हैं। अब ट्रेडिंग में भी दो तरह का ट्रेड होता है, एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग और एक होता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, होल्डिंग। होल्डिंग में क्या होता है कि आपका पैसा डूबने का चांसेस बहुत कम रहता है, मार्केट अपना धीरे धीरे ऊपर जाता है, आपका पैसा धीरे धीरे बनता है, उसमें रिस्क एकदम लो रहता है। पैसा तो यहाँ बन रहा है बट आपको रिस्क भी वहाँ पे बहुत लिमिटेड है, आपको डर नहीं है, मार्केट आपके खिलाफ जाता तो भी आप अपना पोजीशंस को होल्ड करके रखते हैं, तो ये एक एडवांटेज है होल्डिंग में। अपना ट्रेडिंग का लाइफ एकदम सिंपल बनाने के लिए कम पैसा में भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि होल्डिंग पे जब कोई चीज़ ले लेते हैं और उसी के बगल में कोई एक बंदा इंट्राडे करके आप जितना होल्डिंग में नहीं कमाए एक दिन में उससे ज़्यादा प्रॉफिट निकाल देता है, आपका दिमाग घूम जाता है, आपका मन खराब हो जाता है कि हम इतना पैसा लगाए, वो हमसे कम कैपिटल लेके हमसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाए, बट उसका लॉसेस भी वैसा होता है। तो दोनों चीज़ को ही एक्सेप्ट करना जरूरी है। अब ये अपने ऊपर डिपेंड है कि हम लोग किस तरीका से कर सकते हैं। हम लोग जब ट्रेड करते हैं, सपोज हम लोग के पास कैपिटल है तो हम लोग ज़्यादातर कैपिटल को होल्डिंग के लिए यूज़ करना चाहिए, एंड जो कम कैपिटल मतलब कैपिटल का कुछ परसेंट ही इंट्राडे में यूज़ करना चाहिए। इंट्राडे में क्या होता है, रिस्क तो एकदम से होता है। पहला चीज़, इंट्राडे में टारगेट अचीव होना बहुत ना के बराबर हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि टारगेट हिट होता ही नहीं है, इंट्राडे में टाइम आउट हो जाता है, वो एक अलग टेंशन है कि हम लोग उसको होल्ड नहीं कर सकते। सबसे गंदा चीज़ इंट्राडे में क्या है कि आपको जो मार्जिन मिलता है वो सबसे गंदा चीज़ है, कि आप मार्जिन पाते हैं, मार्जिन का यूटिलाइज हुआ तो बहुत अच्छा बात है, नहीं हो पाया तो आपका लॉसेस भी उतना होता है जितना प्रॉफिट दिखेगा। होल्डिंग में क्या होता है कि आपका पैसा जितना है, स्टॉक का जो प्राइस है, आप उतना ही प्राइस पे करके उसको बाई करते हैं। सपोज रिलायंस का प्राइस 2000 रुपीज है एंड 2000 रुपीज आप दे के उसको बाई करते हैं, तो आपका एक ही क्वांटिटी आपको मिला, ज़्यादा नहीं मिला। रिलायंस एक दिन में 50 से 100 रुपया नीचे गिरेगा, 150 गिरेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं गिरेगा वो, तो आपको मिनिमम 150 रुपया का लॉस दिखा सकता है। तो 150 रुपया अगर आपका चला भी जाएगा तो आपको तकलीफ नहीं होगा। सेम उसी जगह पे 2000 का कैपिटल लेके आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और रिलायंस को आप बाई कर सकते हैं, इंट्राडे में वो 300-350 रुपया में मिल जाएगा। तो 2000 रुपया में आप 5 से 6 शेयर रिलायंस का बाई कर सकते हैं, एंड उस दिन अगर वो 150 रुपया नीचे गिरता है और आप 6 पीस खरीद के रखते हैं या 5 पीस खरीद के रखते हैं, तो 150 × 5 करेंगे तो कितना हो गया,
ओवरऑल दोनों का रिस्क रिवॉर्ड देखिए। इस जगह पे आपका 2000 का कैपिटल, और अगर आप वो 100 रुपया पकड़ के चलते हैं राउंड फिगर, 500 रुपीज का आपको लॉस वो एक दिन में दिखा सकता है। तो इंट्राडे आपका 25% कैपिटल एक दिन में बर्बाद कर दिया। एक दिन नहीं लगा उसको, वो आपका 25% कैपिटल को खत्म कर दिया। तो आप परेशान नहीं होंगे तो क्या होंगे? और अधिकतर लोग क्या गलती करते हैं कि उनका कैपिटल में अगर 10 लाख रुपया भी है तो 10 लाख का क्वांटिटी वो लोग डायरेक्ट बाई कर लेते हैं। प्रॉफिट बन गया तो हो गया डबल, प्रॉफिट नहीं बना तो अकाउंट खाली हो गया। कभी भी अपना कैपिटल का 2 से 5% से ज्यादा यूज नहीं करना है, चाहे जो भी हो जाए। 5% मैक्सिमम वो इनफ है। 5% कैपिटल खत्म हो जाएगा फिर भी अपने पास बहुत पैसा बचेगा ट्रेडिंग से फिर कमा के निकलने का। बट उससे ज्यादा आप कैपिटल का रिस्क लेते हैं और स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका पैसा बर्बाद होता जाएगा। सबसे पहला चीज इंट्राडे पे आते हैं। इंट्राडे लोग ज्यादा करते हैं क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा पैसा कमाना है और बहुत जल्दी उन लोगों को अमीर बनना है, सबसे पहला चीज जो रियलिटी है। बट स्टॉक मार्केट में आप ऐसा कभी भी मत सोच के कि आपका पैसा यहाँ पे डबल हो जाएगा, जीरो भी हो सकता है, दोनों चीज यहाँ पे है। तो अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो एक चीज हम जरूर से बताएंगे कि दिन में एक या दो ट्रेड ही आप कीजिए, उससे ज्यादा नहीं कीजिए। या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो एग्जिट कर लीजिए, या फिर और एक ट्राई ले लीजिए। दूसरा बार स्टॉप लॉस हिट, एग्जिट, लॉग आउट कीजिए, लैपटॉप बंद कीजिए, डेस्कटॉप ऑफ कर दीजिए एंड अपना रेस्ट कीजिए, या कोई बुक्स पढ़िए, मूवी देखिए, फ्रेंड्स के संग एंजॉय कीजिए, कुछ भी कीजिए, ट्रेडिंग से उस दिन दूर हो जाइए, वरना वो लॉस आपका और इंक्रीज करता जाएगा। और अगर इंट्राडे किए और आपको पहला ही टाइम में प्रॉफिट हो गया, फर्स्ट डे फर्स्ट प्रॉफिट, लॉग आउट, एग्जिट, नो ट्रेडिंग, अब उसमें कोई भी ट्रेडिंग करने का जरूरत नहीं है। आप 2000 का प्रॉफिट सपोज कमा लिए इंट्राडे से, आप अब फिर से स्क्रीन के सामने बैठेंगे, आपको फिर एक नया ट्रेड दिखेगा, वो ट्रेड देख के आप फिर से ट्रेड लेंगे। 500 का सपोज वहां पे स्टॉप लॉस, आप सोचिए ठीक है 2000 कमा लिए, 500 का स्टॉप लॉस लेके हम एक ट्रेड और ले लेते हैं। 500 का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड लिए, स्टॉप लॉस हिट हुआ, 1500 हो गया। 2000 कमाए थे, 1500 हो गया, चलो फिर से एक बार ट्राई करते हैं, इसको 2000 हो जाएगा, उसको एग्जिट करेंगे। फिर ट्रेड लिए, 600 पे आ गया, 2000 ही अच्छा था, अब तो 600 हो गया, अब जो होगा देखा जाएगा, या तो 0 हो जाएगा या फिर नहीं होगा। 600 का फिर से आप ट्रेड लगा दिए स्टॉप लॉस लेके, वो भी हिट हो गया, 0 हो गया। तो अब आपके दिमाग में क्या आएगा, नहीं इसको रिकवर करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा। रिकवर करने के चक्कर में देखेंगे आप वो रिकवर करते करते जहां 2000 का प्रॉफिट कमाया था वहां आप 3000 का लॉस खा के आ रहे हैं मार्केट से। तो ओवरऑल आप 7-8 ट्रेड कंटिन्यू लेते गए, आपका इमोशंस वहां पे इन्वॉल्व होता गया, इमोशंस बढ़ता गया, आपका ट्रेडिंग डिसीजन खराब होता गया, आपका ट्रेडिंग सिस्टम खराब हुआ। अब वो लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आपका ये जर्नी स्टार्ट हो गई। यहाँ से आप अब यहाँ से लॉस का ही रास्ता देखते जाएंगे और आपको लॉसेस होता ही जाएगा, लॉस बढ़ता ही जाएगा। सबसे गंदा चीज है ये। तो ह्यूमन इमोशंस सबसे गंदा चीज प्ले रोल करता है। ट्रेडिंग एनालाइजिंग करना बहुत इजी है, आपको वो भी सीख जाएंगे, आपको सब कुछ समझ में आने लगे, बट आप ह्यूमन इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को नहीं समझ पाएंगे, तो आपका ट्रेडिंग लाइफ खराब होता जाएगा। हम ये एपिसोड इसलिए बनाए हैं क्योंकि अधिकतर 15 एपिसोड टेक्निकल एनालाइजिंग के ऊपर है, और उसको देखने के बाद आपको इवन इतना तक हो जाएगा कि मार्केट में किस तरीके से पैसा बनाया जाता है। और इसके बाद ये एपिसोड 16 में हम इसको इसलिए बता रहे ताकि ट्रेडिंग इमोशंस में कोई इन्वॉल्व ना हो जाए। आपका एक दिन का लॉस, आपका वो लॉस और बड़ा बनता जाएगा, आपका कैपिटल खत्म होता जाएगा। इसलिए रूल बनाइए, ट्रेडिंग जर्नल बनाइए, डायरी में डेली नोट कीजिए कि आपका कहाँ पे गलती हो रहा है, कैपिटल का 2 या 5, इससे ज़्यादा आप रिस्क नहीं लीजिएगा। सपोज आपका कैपिटल में 10,000 रुपया है तो 10,000 का आप क्या कीजिए, 5% हिसाब कर लीजिए, जितना भी आता है उतना का स्टॉप लॉस के हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड कीजिए, लिख दीजिए स्टॉप लॉस हिट, एग्जिट, कुछ नहीं करना। हाँ, स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप दोबारा और एक बार ट्राई ले सकते हैं। 2 स्टॉप लॉस डे में इनफ है, ठीक है, 2 स्टॉप लॉस पे आप ध्यान दे दिए। अब 2 स्टॉप लॉस दे रहे तो आप अपना उसमें देख लीजिएगा कि आप उसका रिस्क 5% से ज्यादा ना चलिए, 5% क्रॉस कर जाता है तो आप मत लीजिएगा। एंड प्रॉफिट अगर फर्स्ट टाइम में ही मिल गया तो उस दिन और ट्रेड मत कीजिएगा।
आपको बहुत बेहतर ट्रेड मिलेगा, हमेशा ही मिलेगा और हर दिन मिलता है। ऐसा कोई दिन नहीं हो जिस दिन आपको ट्रेड ना मिले। इसका मतलब ये नहीं कि आप जंप करते जाए और कैपिटल बढ़ाते जाए, ऐसा नहीं होता। बहुत बार क्या होता है, उल्टा पड़ जाता है, लॉसेस हो जाता है। और सेम उसी जगह पे जब होल्डिंग पे आते हैं, एकदम रिलैक्स होकर उसमें ट्रेड करते हैं, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं दिखेगा। आपका लॉस इसलिए नहीं दिखता होल्डिंग में क्योंकि उसमें आपको मार्जिन नहीं मिलता है। जो स्टॉक का प्राइस है उसी स्टॉक का प्राइस पे आप बाई कर रहे हैं तो आप रिलैक्स रहते हैं, बट इंट्राडे में मार्जिन आपको मिल जाता है। आप अपने कैपिटल से ज़्यादा का क्वांटिटी बाई कर लेते हैं। ट्रेड जहाँ आपके 10-15 पॉइंट खिलाफ गया, आपका अकाउंट में इतना लॉस दिखाने लगता है कि आप सह नहीं पाते, इमोशंस आता है एंड आपको लॉस हो जाता है। तो होप ये हम लोगों का जो एपिसोड 16 था, आपको इसमें समझ में आया होगा कि हम क्या चीज़ को समझाने का कोशिश किए और हम ये एपिसोड को क्यों बनाए हैं एंड आज का ये वीडियो को हम इस तरीके से क्यों बताए हैं, ताकि किसी को भी कहीं दिक्कत ना हो। और सबसे गंदा चीज़ हमको क्या लगता है, बहुत सारे मैसेजेस वगैरह आते हैं जब किसी को लॉस हो जाता है कि सर कैपिटल ख़त्म हो गया, अकाउंट खाली हो गया। बहुत ऐसा ऐसा मैसेज आता है जिसकी वजह से क्या होता है ना, वो लोग अपने फैमिली में भी कहीं ना कहीं अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हो पाते, पेरेंट्स से दूरी बना लेते या फिर किसी से बात नहीं करते या फिर टूट जाते हैं। क्योंकि लोगों के पास जब पैसा आता है तो वो लोग खुश होते हैं, और लोगों का जब पैसा जाता है तो लोग उदास हो जाते हैं, और ये वो अपने रियल लाइफ में इफेक्ट करते हैं। इवन मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ था कभी कि हमको जब बहुत लॉस हुआ था और मेरा अकाउंट जब खाली हो जाता था तो हमको बहुत बुरा फील होता था। तो हम जॉब करते थे, जॉब से जो भी पैसा आता था ट्रेडिंग में लगाते थे, और सैलरी आते आते वो पैसा डूब जाता था मेरा। 2 से 3 दिन के अंदर पूरा खत्म हो जाता था। हम सैलरी का वेट करते थे, फिर सैलरी आएगा तो फिर लगाएंगे हम। तो कुछ इस तरीका से मेरा जर्नी चलता था, बट हमको वहाँ पे गाइड करने वाला कोई नहीं था। हम बस ये सोचते थे कि कैसे भी करके मैं पैसा निकल जाएगा, बट नहीं निकलता था, डूबता ही गया, बट हम छोड़े नहीं थे। तो आज कहीं जगह पे पहुंचे, बट आप लोग भी टाइम देंगे इसमें, तो टाइम देने के लिए आप लोग इतना बड़ा ना लॉस खा जाए। हम ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लोग बड़ा लॉस खाने के बाद कैपिटल ख़त्म कर देते हैं। आप जब सीख रहे हैं तो छोटा लॉस खा के सीखते हैं ना, बड़ा लॉस खाने का क्या जरूरत है। अभी तो पैसा नहीं कमाना, अभी तो हम लोगों को सीखना है। ये जर्नी हम लोगों का लर्निंग जर्नी है। आप यहाँ पे सीखते जाएंगे, अपना स्टेज बढ़ाते जाएंगे, कैपिटल इंक्रीज होते जाएगा, धीरे धीरे ग्रो होगा। कोई भी चीज़ एक झटका में बड़ा नहीं हो जाता। जो एक बार में बड़ा हो जाता है टूट के गिर भी जाता है। आपको यहाँ पे पैसा नहीं कमाना अभी, आपको यहाँ पे सीखना है। सीखते सीखते ऑटोमेटिक पैसा आपके पास आने लगेगा, जनरेट होने लगेगा। जब आप मार्केट को समझ जाएंगे तो आपका पैसा आपके पास रहेगा। आप अपने रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए कि अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरा इतना का लॉस होगा, इतना का प्रॉफिट होगा। ट्रेडिंग जर्नल बना लिए, एक दिन में अगर आपका 5% जाता है कोई दिक्कत नहीं, कल रिकवर करेंगे। कल भी लॉस हुआ था, 10% चला गया, अभी भी मेरे पास 90% बचा हुआ है। तो हम 90% मतलब हम अभी भी ना 18 बार ट्रेड कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि आपका 20 ट्रेड में से 200 दिन स्टॉप लॉस हिट होगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप क्योंकि उसके पीछे मेहनत करते हैं, और आप जब पहला ट्रेड लेते हैं ना तो उसके पीछे आपका बहुत सारा एनालाइजिंग होता है। पहले दिन ही बैक टेस्ट करते रहते हैं कि ये चीज़ हम यहाँ पे ये देखें, उसके बाद जाके आप ट्रेड लेते हैं। बट उसी जगह पे आप जब फर्स्ट टाइम जब ट्रेड लेते हैं तो वो सही होता है, प्रॉफिट भी निकलता है। आप देखिएगा नोट करके, जब फर्स्ट ट्रेड होता है वो प्रॉफिट में होता है, और जो बाद में ट्रेड करने जाते हैं प्रॉफिट होने के बाद जब ट्रेड लेते हैं स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका वहाँ से वो प्रॉफिट घटता जाता है। कहीं ना कहीं वो आपका ट्रेडिंग स्टाइल को बिगाड़ देता है। तो ठीक है, यही एपिसोड्स हम लोग इसलिए लाए थे ताकि ह्यूमन इमोशंस को लेके किसी को कहीं दिक्कत ना है। आने वाला एपिसोड 17 आएगा कुछ दिनों के अंदर, तो आज हम भूल गए कि अभी से लाइक बटन दबा दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया हो, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि हम जो इंसिडेंट आपको बताए हैं क्या वो ऐसा इंसिडेंट आपके लाइफ में मिलता जुलता है या नहीं है। कहीं ना कहीं देखिएगा कुछ ना कुछ पार्ट आपको वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे ऐसा ऐसा चीज़ आपके संग हो रहा है। तो ये चीज़ को हम लोग को समझना है कि ह्यूमन इमोशंस को कंट्रोल करना है, ओवर ट्रेडिंग को स्किप करना, होल्डिंग पे ले रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इंट्राडे कर रहे तो दिन में 1 या 2 ही ट्रेड आपको ट्रेड बहुत मिलेगा। मार्केट में आप जब भी देखिएगा आपको दिखेगा कि कोई ना कोई अच्छा ट्रेड आपके सामने है, आप जंप कर जाइएगा। वो चीज़ नहीं करना है आपको। ट्रेड हमेशा एक्टिव होता है, वो ऐसा मार्केट है जहाँ पे पैसा हर टाइम फ्लक्चुएट करता है। इंडियन मार्केट छोड़िए ना, फॉरेक्स मार्केट में चल जाएंगे आप, क्रिप्टो में चल जाएंगे तो 24 घंटा चालू रहता है। तो आप क्या 24 घंटा उसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, मतलब पकड़ने का कोशिश में आप डूब जाइएगा, आप पकड़ भी नहीं पाइएगा, कुछ भी नहीं आपके हाथ में आएगा। इसलिए रूल बनाइए कि एक दिन में इतना ही हमको करना है, इससे ज़्यादा नहीं। आपका ट्रेडिंग स्टाइल बहुत अच्छा हो जाएगा जब आप देखेंगे कि आपका लॉस लिमिटेड है। हमको लॉस होगा तो इतना का होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा।
ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा चैनल्स का लिंक मिल जाएगा, चाहे तो मुझे वहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।